बानमोर में 10 करोड़ की लागत से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह द्वारा सन 2013 में रखी गई 60 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल की आधारशिला को समय अवधि पूरी होने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा अभी तक अस्पताल की बिल्डिंग को हैंडओवर नहीं कराया गया है, जिस कारण अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि मार्च 2020 तक यह बिल्डिंग तैयार होकर हैंडओवर करनी थी, लेकिन काम धीमी गति से होने के कारण हैंडओवर नहीं की गई है। स्थित हुआ है कि 2 मंजिल वाले इस सिविल अस्पताल में कर्मचारियों को रहने के लिए 4 मंजिल ऊंची बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें 1 PM हाउस और इस अस्पताल में 3 OPD कमरे और 2 प्रसूति गृह बनाए गए हैं। 60 बिस्तर वाले इस अस्पताल में 10 वार्ड तैयार किए गए हैं। इस बारे में अस्पताल की बिल्डिंग बना रहे राजेश शर्मा का कहना है कि अस्पताल की बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार है, अभी विद्युत ट्रांसफार्मर और परिसर के अंदर रोड बनाना ही शेष रह गया है, जो अति शीघ्र ही पूरा कर बिल्डिंग को शासन के हैंडओवर कर दिया जाएगा। बानमोर से संवाददाता भावना शर्मा की रिपोर्ट। राजेश शर्मा जी, ये 10 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बन रहा है और ये काम चल रहा है आपका, क्या माना जाए कब तक तैयार हो जाएगा? जल्दी तैयार करेंगे, अब रोड बनाना रह गया है, बरसात की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। अंदर का कैंपस का रोड रह गया है, बाकी काम पूरा हो चुका है, बाकी थोड़ा बहुत एक DP लगना रह गया, जैसे DP लगना लाइक टोनी वगैरह है, सफाई पाई है बिल्डिंग। शर्मा जी, हम जानना चाहेंगे इसमें क्या क्या सुविधा मुहैया कराई गई है, क्या क्या बनाया गया? सारी सुविधाएं हैं जो सिविल अस्पताल में होती हैं। सिविल अस्पताल में ये 60 बिस्तर वाला हॉस्पिटल है, तो OPD वगैरह सारी हैं, तो बता दे दिए वो सभी चीज़ में रहेगी। तो अभी लाइट फिटिंग के लिए DP लगना है, DP लगना है, अंदर बिल्डिंग में सफाई होना है, टोटी वगैरह लगानी है, मेन रोड बनानी है, मेन रोड बनना है, बाकी काम पूरा हो चुका है, लगभग है, मतलब थोड़ा सा बचा है। तो क्या माना है 4-6 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा? हो जाएगा, जल्दी कर।